हेलो एवरीवन। तो आज है हमारे पास यामाहा का FZS वर्जन 3.0 BS6 2021 का नया मॉडल, और इसमें है कुछ यूनिक फीचर्स जिसको आज हम देखेंगे और इस बाइक का राइड एंड रिव्यू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस, जब अगर लुक वाइज बात करें तो बाइक की क्वालिटी और बिल्टअप क्वालिटी कह लो या लुक कह लो बाइक की, बहुत ही ज़्यादा अच्छी और यूनिक लग रही है। काफ़ी बल्की सा लुक है, देखने में मज़ा आता है। तो चलते हैं, अब देखते हैं। सबसे पहले इसके चक्के से स्टार्ट करते हैं। अगर हम व्हील्स की बात करें तो फ्रंट में आपको 17 इंच का एलॉय व्हील्स मिल जाएगा ट्यूबलेस टायर के साथ, जो कि MRF का है। साथ ही आगे आपको इसमें ABS मिल जाएगा, और ऑन द फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है इसमें। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें आपको बस सिर्फ आगे ही जो है ABS मिलता है, पीछे नहीं है। और हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट तुम देख सकते हो, LED हेडलाइट है इसमें। साथ ही अगर हम देखें ग्राउंड क्लियरेंस जो है 165 mm का। सीट जो है इसकी काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन पर है, जैसे तुम देख सकते हो पीछे से हल्का उठा हुआ है, बट नीचे जहाँ पे राइडर जो बैठेगा उसके लिए सीट काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन पे है। इससे कम हाइट के लोग भी आराम से बैठ के राइड कर सकते हैं। अब जो पीछे का टायर है वो सेम है फ्रंट टायर की तरह, 17 इंच अलॉय व्हील्स विद ट्यूबलेस टायर। हाँ, इसमें पीछे आपको ABS नहीं मिलता है। अब आते हैं इंजन की तरफ। अगर इंजन की बात करें तो ये है 149 cc का एयर कूल्ड इंजन, जो कि पावर देता है 12.4 PS का, और इसमें 13.6 Nm का टॉर्क जनरेट होता है। गाड़ी का वेट है 135 kg, 135 किलो। तो पावर टू वेट रेशियो जो होता है गाड़ी का, बाइक का, वो भी काफ़ी अच्छा है। आप हाई एंड स्पीड इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो मेरे को लग रहा है कि नहीं होगा। खैर, लेकिन अगर रॉयड क्वालिटी जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही अच्छा है। इसकी जो टैंक कैपेसिटी है जो है 13 लीटर का, और ये माइलेज देगा अप्रॉक्स 45 किलोमीटर्स का। अब अगर हम आगे हैं तो ये देखो हैंडल बार जो है इसका, ये काफ़ी वाइड है, तो थोड़ा सा यूनिक सा राइडिंग एक्सपीरियंस लगता है इसमें, और काफ़ी कंफर्टेबल भी लगेगा बैठने में। और जब तुम बैठोगे और राइड करोगे तो काफ़ी यूनिक सा और सेक्सी कह लो लगेगा जब तुम राइड करोगे। ठीक है, अब इसमें अगर हैंडल की बार की हम बात करें तो इसमें इंजन स्टार्ट स्विच मिल जाएगा आपको। इस साइड देख रहे हो, यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्विच मिल जाएगा आपको। ठीक है, हाँ, इसमें ध्यान रखना कि इसमें किक स्टार्ट नहीं है। और दूसरी साइड में आप देखें हैंडल बार पे, तो इधर हेडलाइट कंट्रोल है, इंडिकेटर स्विच है और हॉर्न है। और इसका जो डिस्प्ले है काफ़ी छोटा सा है देखा जाए तो, बट प्यारा सा है। और इसमें न्यूट्रल के लिए इंडिकेटर है, फिर ABS है, हाई बीम लो बीम है। साथ ही यहाँ पर आप ट्रिप एडजस्ट कर सकते हैं, एंड साथ ही इधर आपको स्पीडोमीटर भी मिल जाता है। अब अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस डिफरेंस हो सकता है अलग अलग जगह पे, लेकिन ये बाइक नोएडा में है तो नोएडा में ये बाइक 1,30,000 की पड़ी है आपको ऑन रोड। 1,30,000 का ये बाइक आपको पड़ा हुआ है ऑन रोड। ठीक है, अब इसमें कुछ यूनिक फीचर हैं जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी हुई है सबसे पहले, और उसकी बात करें तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए जो ये गाड़ी के अंदर ही इसका सारा सिस्टम फिक्स रहेगा, उसके लिए आपको एक ऐप मिलेगा जो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से फ़ायदा ये है कि आप गाड़ी कि आप बाइक में ई लॉक लगा सकते हैं, साथ ही बाइक को ट्रैक कर सकते हैं, बाइक लास्ट कहाँ पे पार्क हुई थी, बाइक का सॉर्ट ऑफ GPS ट्रैकर एक तरह से बोल सकते हैं इसको, वो भी मिल सकता है आपको। साथ ही इसमें एक और फीचर है, वो है बाइक का अगर साइड स्टैंड अगर लगा रहेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, या फिर गाड़ी स्टार्ट है और आपने साइड स्टैंड लगा दिया तो फिर गाड़ी बंद हो जाएगी। ये दोनों यूनिक फीचर है काफ़ी। चलो अब एक बार हम इसको राइड करके देखते हैं, राइड एक्सपीरियंस कैसा है। FZS जो है काफ़ी हेवी और बड़ा लगता है, इसके हिसाब से इंजन थोड़ा सा कम पावरफुल लगता है, बट पिकअप इज़ क्वाइट गुड। अभी बिल्कुल न्यू है ये बाइक, तो मेरे को लग रहा है कुछ दिन जब चल जाएगा तो पिकअप थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। टैंक का जो शेप है काफ़ी बिग है, एंड जो हमारा पैर है वो काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो पाता है इधर, एंड दैट्स वाई FZ इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव डिज़ाइन के मामले में।
सिटिंग पोजीशन इज सो रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल है, मज़ा आ रहा है इस पर। एंड आई थिंक लॉन्ग राइड के लिए भी ये बाइक काफ़ी अच्छी हो सकती है और जल्द ही ये बाइक भी किसी लॉन्ग ट्रिप पे जाएगी जहाँ तक मेरे को लग रहा है। अब जैसे तुम हैंडल बार देखो तो हैंडल बार पकड़ने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ, अब लॉन्ग राइड के लिए अगर विंड शील्ड होता, अगर आगे छोटा सा जैसे कुछ बाइक्स में होता है तो अच्छा रहता, खैर इसमें नहीं है। आगे से तुम देखो तो ये बाइक काफ़ी नेकेड है, ठीक है। और साथ में जैसे अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है आपको हैंडल थोड़ा नीचे लगेगा, तो आपको हैंडल रेज भी कराना पड़ जाए। राइड क्वालिटी देखें तो राइड क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है, स्मूथ राइड है। अगर शॉक ऑब्जर्वर की बात करें तो नॉर्मल बाइक के जैसा ही, मेरे को बहुत कुछ खास नहीं लग रहा है, बट ठीक है, अच्छा है। पिकअप भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। परफॉर्मेंस के मामले में बाइक मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, मेरे को लग रहा है कि ये रफ़ रास्तों पे भी काफ़ी अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस दे सकता है। सीट क्वाइट कंफर्टेबल है, हैंडलिंग काफ़ी कंफर्टेबल है इसका, और बाइक दिखने में बहुत हैवी है लेकिन आप इजीली इसको आप हैंडल कर सकते हैं। और इस प्राइस रेंज में मेरे को लग रहा है कि ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास, तो खैर जाओ, अगर जिसको FZS या यामाहा की कोई बाइक अगर लेनी है तो FZS कंसिडर कर सकता है वो। अगर इस रेंज में 1 लाख या 1,30,000-1,40,000 के रेंज में अगर कोई बाइक देख रहा है उसके लिए बाइक मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, काफ़ी अच्छा है। तब तक के लिए अगर वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो जाओ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। चलो फिर मिलते हैं तुम लोग से अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।